आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें दीक्षा वर्ष पर पूरे भारतवर्ष एवं विदेशों में भी आचार्य श्री विद्यासागर जी की त्याग तपस्या अहिंसा संयम साधना को लेकर कीर्ति स्तंभ विभिन्न स्थानों पर विविध प्रशासनिक अनुमति के साथ जैन समाज द्वारा एवं प्रशासन द्वारा मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जबलपुर में भी कीर्ति स्तंभ नगर निगम को लिखित अनुमति पर श्याम टॉकीज के पास सिविक सेंटर स्थान पर निर्माणाधीन था, जिसको कि गत दिनांक 17 जुलाई की रात को नगर निगम जबलपुर के अधिकारियों ने तुगलकी हिटलर निर्णय लेते हुए जैन समाज से देश का पूर्ण भावना रखते हुए समाज को बिना किसी प्रकार की सूचना देते हुए माध्य से रात्रि में अचानक इसे तुड़वा दिया गया। उस घटना के बाद जैन समाज में रोष व्याप्त है। इसी विषय को लेकर जैन समाज खाते गाँव ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के नाम ज्ञापन SDM श्री शोभा राम सोलंकी को ज्ञापन सौंप कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने और उन्हें निलंबन करने की मांग की है। जैन समाज ने आज किस संबंध में ज्ञापन दिया SDM महोदय को? जैन समाज ने आज ज्ञापन दिया है। गौरतलब है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष को मना रही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी देश के गौरवशाली संतों में शुमार होते हैं और उनके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज कीर्ति स्तंभों का निर्माण विधिवत प्रशासनिक अनुमतियों के साथ कर रही है। उसी श्रृंखला में जबलपुर में भी उक्त कीर्ति स्तंभ का निर्माण समाज अपने व्यय पर नगर निगम की जमीन पर कर रही थी। नगर निगम का विधिवत अनुमति आदेश लेटर जैन समाज के प्राप्त है। विगत 15 दिनों से वहाँ काम चल रहा था, जब तक किसी को आपत्ति नहीं थी। कीर्ति स्तंभ पूर्ण होने की अवधि में जब आया तो JCB के माध्यम से कुछ अधिकारियों ने जैन समाज से द्वेषता रखते हुए, अहिंसक समाज से द्वेषता रखते हुए, हिंसा को मानने वाले अनुयायियों से द्वेषता रखते हुए उस कीर्ति स्तंभ को तोड़ा है, जो कि अहिंसा के मानने वाले लोगों पर कुटाराघात है। जैन समाज जबलपुर में भी बहुतायात में है। लगभग 1 लाख लोगों की आबादी जैन समाज की जबलपुर में है। आज भारी रोष व्याप्त है। हम चाहते हैं कि वहाँ कोई बड़ी अनहोनी ना हो। उसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इस विषय पर अति शीघ्र डिसीजन लें, क्योंकि हम अहिंसक हैं, सभ्य हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डरपोक हैं। हम हमारी बात को बताना जानते हैं, हम हमारी बात को मनवाना भी जानते हैं। यह अहिंसक समाज है। अभी अहिंसक रूप से हमने ज्ञापन दिया है। ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन को हम उग्र भी करेंगे।